रेप का घटनाक्रम हुआ। रीवा में इतनी भयावहता है, 18-20 बेटियों का रोज रेप होता है। पहला एक गुंडा आया, फिर हम लोग भागने की कोशिश किए तो नहीं भाग पाए, फिर 4 गुंडे सामने से आ गए, फिर मारने लगे। समय थे हम बहुत ज्यादा नशे में। कितने लोग थे? हम 5 लोग थे, 3 लोग साथ। मैं दूंगी और हम लोग उस बिटिया को जब तक न्याय न मिले पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ेंगे। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। जी हाँ, इतना बदल गया कि इंसान अब शैतान बन गया है। इंसान और जानवर में अब कोनो फर्क नहीं बचा है। और शैतान यमे शैतान हो गए हैं कि अब न बहिनी दिख रहे हैं, ही न बिटिया दिख रहे हैं, ही न चाची दिख रहे हैं, ही न महतारी दिख रहे हैं, ही न को दिख रहे हैं। स्थिति यह है कि अब सर माबे लाग इंसान कहे जाए। मध्य प्रदेश के विंध्य के बीते दिना के खबर सुने हो, जहां एक महिला का लगभग आधा दर्जन दरिंदर के द्वारा पति का बंधक बनाए के उनके सामने आधा दर्जन युवकन के द्वारा, शैतानन के द्वारा दरिंदगी कीन गए, दुष्कर्म कीन गए। यह मामले से पूरे विंध्य सहित पूरे प्रदेश और देश का शर्मसार तक कर बे भा, लेकिन एक सवाल का जन्म दिस कि आखिरकार एक इंसान के अंदर ऐसा का विकृति आई कि वह शैतानी रूप में परिवर्तित हो जाता। विंध्य के अंदर नशा के अवैध कारोबार, यह कारोबार रोजाना फलफूल रहा है, चाहे मेडिकल नशा के कारोबार हो या फिर अवैध नशा जैसा गांजा, अफीम, चरस, हीरोइन, कोकीन, तमाम ऐसा अवैध मादक पदार्थ हैं जो युवकन का पूरी तरह से नशा में लिप्त कह रहे हैं। और स्थिति यह पैदा हो रही है कि अब इनका न महतारी दिखाए, न बहिनी दिखाए, न बिटिया दिखाए, न चाची दिखाए, न मौसी दिखाए, ये सिर्फ जानवरी प्रवृत्ति के हो चुके हैं। तब सवाल उठा था कि आखिरकार काविंद कुछ दिन बाद जंगल राज में तब्दील हो जाए, न कानून के खौफ, न व्यवस्था के खौफ, न समाज के खौफ, न भगवान के खौफ, तब फिर इस शैतानन का खुला जंगल दे दीनगा है कि यहाँ आबा और या शैतानियत का पूरी तरह से अंजाम दे। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल बम कनिश तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थी। बड़े दुखी मन से यह खबर का अपना तक पहुँचाए रहे हैं। हालांकि पूरा घटनाक्रम अपना पंचे जान चुके हैं, लेकिन अपना पंचन को बताया दी कि वह बिटिया के साथ 5 लोगों के द्वारा दुष्कर्म कीनगा रहा, 7 लोगों का पुलिस अपने हिरासत में ले चुकी है। हमारे साथ चल रही तस्वीर देखी लागे, ये वह तस्वीर है जहाँ थे वह बिटिया के साथ 5 दरिंदन के द्वारा पति के सामने गैंगरेप का अंजाम दे दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि सवाल उठा थे पुलिस प्रशासन से। पुलिस का दायित्व तो दीनगा है कि आम जन के अंदर पुलिस के प्रति प्रेम हुए और गुंडा मवाली दहशतगर्द शैतानन के मन में पुलिस के भय हुए। लेकिन पुलिस कह का रही है, पुलिस रेता की गाड़ी रुकवावत है, पुलिस सड़कन मां हेलमेट चेक कर रही है, पुलिस औ का कह रही है कि उसे बतावे का बहुत हमका आवश्यकता नहीं है। जबकि पुलिस का सबसे यदि जरूरी उनका कार्य देखा जाए तो पुलिस का सबसे बड़ी जिम्मेदारी दीन गई ही गश्ती के, चोरी, डकैती, चिनारी एक रोक के। लेकिन पुलिस का कह रही है, पुलिस यातायात के व्यवस्था सुदृढ़ कह रही है, नेता मंत्रीन का, नेता मथानीन का फालो बन रही है, उनका सुरक्षा प्रदान कह रही है। आम आदमी का है तिल तिल मर रहा है, घुट रहा है, तबाह हो रहा है। यह देशभक्ति जन सेवा है, सरकारन के का जिम्मेदारी है। सरकार 25 थे पुलिस वाले के गाड़ी कर ले के खूब चोर चोर होय होय कराए रहे हैं, गली गली हुटर बजवाए रहे हैं,
लेकिन जरूरत कहाँ है यह पुलिस की। भैरवनाथ मंदिर गुढ़ के एक प्रसिद्ध स्थान है, 2 किलोमीटर दूर यह वारदात भई। सवाल यह नहीं उठे कि भैरवनाथ मंदिर के पास पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम हो चाहिए, दिन दहाड़े यह वारदात का अंजाम दी गए। शर्म नहीं आवे न सिस्टम का, न व्यवस्था का, न केहू का। यदि अपना शर्मिंदगी हो रही है तो अपना घर के अंदर शर्मिंदा जरूर हो सके थे। कहे कि आज केहू के बहनी बिटिया के साथ भाई है, कल अपना के नंबर लागी, हमारा नंबर लागी, आगे आवे वाले समय में सबके नंबर लागी, बची को ना। यदि व्यवस्था में परिवर्तन नहीं लिया बगा, हम अपना का पुलिस अधीक्षक के ताजा बयान सुनाओ, जो मऊ दावा कह रहे हैं कि इनका जल्द से जल्द सलाखन के पीछे भेजब। लेकिन अपना का जानी थे औसत प्रतिदिन मध्य प्रदेश में 17 से 18 बिटियन के साथ रोजाना दुष्कर्म होता है। और ये 17 से 18 बिटिया केहू के बिटिया हो ही, बहनी हो ही, केहू के महतारी हो ही, केहू के मेहरिया हो ही, का केहू का फर्क पड़ा था। जेल तो सब 18 यदि दुष्कर्मी होत हो ही, 18 बिटियन के साथ यदि दुष्कर्म होता है तो सब दुष्कर्मी जेले न जात हो ही, उनके बाद समाज में सुधार काहे नहीं हो। सबसे बड़ा सवाल यह है, हम पूछी थे उस सत्ताधीशन से जो दावा करा थे कि हम अमन और चैन कायम करब, हमका जिताए दे, हमका विधानसभा भेज दे, हमका लोकसभा भेज दे, हमका मुख्यमंत्री बनाए दे, हमका प्रधानमंत्री बनाए दे। आम जनता तो अपन काम कह रही न वोट दे के, तो आखिरकार ये नेता मथानी कई कार है, कौ व्यवस्था दे रहे हैं जहां रोज ये में घटना हो रही है, घटना के बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन केहू का फर्क नहीं पड़ रहा है, न सिस्टम का शर्माए रहा है, न केहू का शर्मिंदगी हो रही है, तो शर्म को करैया। जब पूरे घटनाक्रम में एक आरोपी के बयानों आवा है, वह बयान में यह बात की जिक्र है कि हम पचे नशा में रहे के का करी हम बिसरिए। तो सवाल ये उठा था कि नशा इतना आसान कैसा है, कुछ लोग गांजा पिए रहे, कुछ लोग शराब पिए रहे, और तमाम तरह के नशा बगड़े हैं, तो कुछ ना कुछ हो ले रहे हुए। अब नशा केहू के जीवन बर्बाद कह रहा है, केहू परिवार बर्बाद कह रहा है, केहू के पूरी जिंदगी तबाह कह रहा है, लेकिन दावा यकीन जात है कि ऑल इज वेल, सब कुछ बढ़िया है, खाक बढ़िया है। यदि 17 से 18 बिटियन की असमत रोज लूटी जा रही है, ता नंबर तो सब के, हर घर में बिटिया है, बिटिया नहीं आई तो केहू के मौसी हैं, केहू के बहनी हैं, केहू के चाची हैं, केहू के महतारी हैं, बिटिया तो हर घर में है। माँ दुर्गा की पूजा तो सब करत है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि दुर्गा देवी आई, पूजा करे से धन्य न हुई समाज, बल्कि दुर्गा स्वरूप बिटियन का तैयार किया जाए, बिटियन का इतना मजबूत बनाई कि बिटिया ई में दरिद्रन से लड़ सके। कल एक जने खबर में कमेंट करे रहे कि अब पुलिस के भरोसे जो है बिटियन का घर से ना निकले दे चाहिए, या को घूमो घूमे जाइ कहो तो जेबा माँ या अपने साथ हथियार रख के जाइए। कहे कि यदि में परिस्थिति यही तो कम से कम ई में शैतानन का दरिंदन का मौत के घाट तो उतार दीजिए, या अपन सुरक्षा तो कह लीजिए। कहे कि पुलिस के सहारे यदि बैठ रह तो कब तक इज्जत लुटबोबे। हालांकि हम हिम्मत दे थे, हिम्मत के दाद दे थे वो बिटिया के, जो बिटिया पुलिस तक पहुंची, जो बिटिया अपन घटनाक्रम का या व्यवस्था के पोल खोले के काम करीस। रीवा महानगरन के तर्जमा विकसित हो रहा है, बड़ा हो रहा है, लेकिन ये अब कहते ना बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ऐसा महानगर के करब का, खूब हवाई जहाज उड़ाए दे, खूब फ्लाई ओवर बनाए दे, बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ शोरूम खोल ले, बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ आ जाए, लेकिन बहनी बिटिया न रही हित करब का ये महानगर का। बड़ा सवाल है लेकिन जवाब नहीं। जिम्मेदारन तक यदि हमारा बात पहुंच रही है तो कम से कम शर्मिंदगी उन्हों को हो जाए,
जी ये ठेका लाए हैं पूरे प्रदेश के, दावा करत हैं कि हम पूरे प्रदेश का सुरक्षित हाथनमा है, शांति के टापू है मध्य प्रदेश, ये शांति के टापू में खुलेआम जंगल राज है। और आए दिन हुए रही घटना केवल मध्य प्रदेश शर्मसार नहीं हुए, केवल विंध्य शर्मसार नहीं हुए, बल्कि ये इंसानियत शर्मसार हो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, लेकिन गूगी बहरी सरकारन का कुछ सुनाई नहीं रहा है। और यह सबसे दुखद पहलू है। तो सुनी सभी के पूरा बयान, वो लेडीजों के बयान सुनाऊ जे के साथ, वो बिटिया के बयान सुनाऊ जे के साथ ये पूरा वाक्य है। वो बिटिया के द्वारा यह बताबागा कि एक व्यक्ति दावा कर रहा कि हम मीडिया प्रभारी के लड़का है या भाई है। हम तो कहते चाहे तू प्रधानमंत्री न हो तो तुमका अधिकार नहीं है, या प्रधानमंत्री के लड़का हो या प्रधानमंत्री के भाई, अधिकार नहीं है कि केहू के साथी में दरिंदगी करा। सवाल यह उठा था कि का पुलिस वो मीडिया प्रभारी को हेरी, कि आखिर कौन मीडिया प्रभारी है जेकर भाई या लड़का यह में कृत्य का अंजाम दी सी। वहीं की वजह से दो दिन बाद FIR दर्ज है, 21 तारीख का घटना होती, 22 तारीख का FIR होती, और मीडिया और सोशल मीडिया के दखलंदाजी के बाद जो है आरोपी की गिरफ्तारी होती। सवाल नहीं आया है यदि तो जवाब मांगी, हम तो मंगते लागे ना अपनों पंचे मांगी खबर का शेयर कही के और लोगन तक और जिम्मेदारन तक ये खबर पहुंचाई, कहे कि ये खबर अपना और हमार दोनों के आवे वाला कल सुरक्षित करे के मादा जरूर रखत है। तो सुनी सभी के पूरा बयान, आपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल, धन्यवाद, प्रणाम। हम लोग भैरव बाबा मंदिर गए दर्शन करने, फिर वहां से हम लोग वहां से लौट रहे थे, थोड़ा आगे आकर हम लोग रुके 2 मिनट के लिए पत्ती काटने। फिर हम लोग क्या किए, मतलब आए गुंडे, पहला एक गुंडा आया, फिर हम लोग भागने की कोशिश किए तो नहीं भाग पाए, फिर 4 गुंडे सामने से आ गए, फिर मारने लगे, फिर हम लोग मतलब पूछे कि क्यों मार रहे हैं, हम लोग उनसे बोले कि आप क्यों मार रहे हैं, फिर वो क्या बोले कि मतलब मारे हम लोगों को, फिर जान से मारने की धमकी दे रहे थे उसमें से। फिर वो बता रहा था हम मीडिया प्रभारी की लड़का आहन, फिर वो बोला कि तू पुलिस को चाहे जा कर ले, पुलिस हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। फिर हम लोग बोले हम लोग को छोड़ दीजिए, हम लोग पति पत्नी है, तो अभी हम लोग के साथ गलत कर रहे थे। उसमें से हम लोग चिल्लाने की कोशिश किए तो हम लोग मतलब कांच की बोतल लता रहे थे कि जो चिल्लावे तो जान से मार दे, जान से मारने की धमकी दे रहे थे। आपके साथ अलग अलग सब लोग दुष्कर्म किए हैं कि अलग अलग किए हैं? एक साथ नहीं। कितने लोग थे आपके साथ? हम लोग हमारे साथ 5 लोग थे। और गलत कितने लोगों ने? 5 ही लोग किए हैं गलत, वीडियो भी बना रहे थे हम लोग, और कुछ भी धमकी दे रहे थे कि किसी के पास जाओगे तो ये करेंगे, और धमकी दे रहे थे कि पुलिस के लगे चाहे चले जाए, चाहे कलेक्टर के लगे चले जा, हमका कहना पुलिस हमारा कुछ न कर पाई। और ऐसा भी कुछ हमने बोला कि पर डे हमारा ये काम है? हाँ, बोल रहे थे कि हमारा यही रोज का धंधा, हम लोग यही प्लान में ही रहते हैं 8-10 लोग। तो आपने जान बचाने की कोशिश की तो फिर उसके आगे क्या हुआ? हम जान बचाने की हम लोग कोशिश भागने की कोशिश कर रहे थे तो हम लोग मतलब बाइक वाइक की चाबी फोन सब छुड़ा लिया गया, फिर मारपीट भी की हम लोगों के साथ। फिर आपका फोन दोबारा लौटाया गया क्या? फिर मेरे पति को मेरा फोन नहीं दिया गया, फिर हम मेरे पति जाते थे फोन लेने तो उन्हें पत्थर से मार रहे थे उनके। ये हम लोग गुड़ के पास भैरव बाबा के मंदिर है, वहाँ गए थे घूमने, वहाँ नहा रहे थे, खाना पीना बनाए वो लोग खाए, और उसके साथ ही मुझे ज़बरदस्ती गांजा और दारू पिला दी गई, मैं नशे में था। अचानक एक लड़की और लड़के आए सिलेंडर से, पर एक बड़ी सी चट्टान थी उसके पीछे वो लोग गलत काम कर रहे थे वो, तो फिर हम लोग जो है तो वो बताएं एक आए कि हम लोगों को। तुम काफ़ी नशे में थे? हम बहुत ज़्यादा नशे में। कितने लोग थे? हम 5 लोग थे, 3 लोग साइकिल से आए थे। कितने लोग रेप किए हैं? अब ये मुझे नहीं पता कितने लोग, चार पांच लोग किए हैं लगता है। फिर मैं वो करने के बाद वो सब जो किए, फिर वो लड़की मेरे पास आई बोली भैया मोबाइल दिला दो, मेरी 1+ की वो मोबाइल ली थी,
तो फिर हम जो मतलब मोबाइल लिया था उससे जबरदस्ती छीनकर उसको हमने मोबाइल भी उसकी दिलवाया, वीडियो भी बनाए थे, मैं भी उसकी वीडियो बनाया था गाड़ी की। वो बोली कि नहीं, रेप का भी वीडियो बनाए थे। नहीं, वो मेरे को नहीं पता है कि वो लोग बनाए थे कि नहीं बनाए थे। कब की घटना है ये? 21 तारीख को दोपहर की घटना। ठीक। रीवा जिले के भैरव बाबा क्षेत्र में एक दंपति जो नव विवाहित है और शायद कॉलेज के स्टूडेंट हैं, वो भैरव बाबा क्षेत्र में घूमने गए थे। वहां पर 5 आतताइयों ने पति को पेड़ से बात कर और उसके सामने ही उस बिटिया के साथ सामूहिक बलात्कार किया है। उसके बाद वो सोमवार को गली गली, थाना थाना, कार्यालयों में घूमती रही कि शायद मदद मिल जाए। उसी दिन मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव और डिप्टी सीएम और तमाम राष्ट्रीय से लेकर मध्य प्रदेश के नेता रीवा में इन्वेस्टर मीट कर रहे थे और व्यंजनों का लुत्फ उठा रहे थे व्यापारियों के साथ। और वहीं वो लड़की गली गली न्याय मांगने की इच्छा के साथ गली गली घूम रही थी, लेकिन यहां की सरकार और जिला प्रशासन पूरी ताकत के साथ यह बात किसी को पता न चले इस पर फोकस कर रहा था और इसको रोकने की कोशिश कर रहा था। मैं रीवा जिले को किसी भी कीमत पर बिहार नहीं बनने दूंगी और हम लोग उस बिटिया को जब तक न्याय न मिले पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ेंगे। बेहद शर्मनाक है कि मुख्यमंत्री ने उस बिटिया को जाकर उसके घाव पर मरहम लगाने की कोशिश नहीं करी, उसके न्याय दिलाने की कोशिश नहीं करी, बल्कि मामले को उल्टा दबाने की पुरजोर कोशिश इन्होंने की है। मैं ये बेहद शर्मनाक, निंदनीय और निहायत ही घटिया कृत्य है, मैं इसकी निंदा करती हूं। मध्य प्रदेश को रेप कैपिटल तो आपने बनाया ही था, पर रीवा को आपने बिहार बनाने की कोशिश की है, ये भी बहुत घृणित कृत्य है। और मैं इनसे मांग करती हूं कि जितनी जल्दी हो सके उस बिटिया को और उस परिवार को, पीड़ित परिवार के घाव पर मरहम लगाइए, उनके घर जाइए और निर्भया फंड सरकार ने बनाया था, मनमोहन सिंह की सरकार ने, उस फंड की आप बंदरबांट कर रहे हैं लेकिन न्याय दिलाने के लिए आप कोई काम नहीं कर रहे हैं। और यह जो कृत्य आपने किया ये बहुत ही ज्यादा दुखद है और पूरा रीवा जिले के साथ हम सभी शर्मसार हैं कि हमारे यहां भी इस तरीके की घटनाएं होने लगी। मैं बेटी को न्याय मिले इसके लिए पुरजोर पूरी ताकत के साथ कोशिश करूंगी। रीवा में कितनी भयावहता है, 18-20 बेटियों का रोज रेप होता है मध्य प्रदेश में। हम चिल्ला चिल्ला के, अभियान चला चला के कांग्रेस पार्टी विपक्ष का दायित्व निभा रही, जन जागरण करने की कोशिश कर रही। कल इन्वेस्टर मीट थी रीवा में, इसलिए बेटी का पति को पेड़ से बांधकर उसके पति के सामने बलात्कार किया, 2 दिन तक पब्लिक डोमेन में नहीं आई बात, और फिर आई तो भयावहता ऐसी है। यानी ये जंगल राज ये तो क्या है, और गृह विभाग बचा ही नहीं, कोलैप्स हो गया। यहाँ अपराध सबसे ज्यादा, नशा सबसे ज्यादा, चोरी डकैती सबसे ज्यादा, फ्रॉड सबसे ज्यादा, बेटियों के साथ बलात्कार सबसे ज्यादा, उनका अपहरण सबसे ज्यादा, यही तो काम होता है गृह विभाग के। अगर ये सब खराब हो गए, यानी कोलैप्स है, तो उनको अब गृह विभाग की जगह जंगल राज विभाग बनाना चाहिए। थानागुड़ में जो रेप का घटनाक्रम हुआ था उसमें पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में लेने में सफलता प्राप्त की है और अभी सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और जिससे कि पूरे घटनाक्रम जो है उसके बारे में विस्तृत जानकारी एकत्रित की जा सके, किसका क्या रोल था, कैसे पूरी घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में पूछताछ की जा रही है और विवेचना में शामिल किया जाएगा और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हेतु विवेचना शीघ्र कम्प्लीट करके चालान न्यायालय पर सकते।